डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राज मेकअप। सो आज के वीडियो में आप सबके लिए लेके आई हूँ फिर से दो नए हेयर स्प्रे। सो पिछली वीडियो में मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले, आई क्रॉस्ड अबाउट 27,000 or 26,000 व्यूज ऑन दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पर आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। वो वाले हेयर स्प्रे मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने ये दो हेयर स्प्रे मैं लेके आई हूँ। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड टाफ्ट दिस इज फ्रॉम द ब्रांड टाफ्ट एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड गैट्सबी। सो जो लड़कियां या लड़के ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन से प्रोफेशनल यूज़ के लिए एक अच्छे हेयर स्प्रे और हेयर स्टाइल्स के लिए हमें एक अच्छे हेयर स्प्रे चाहिए, जो जानना चाहते हैं कि कौन से हेयर स्प्रे आजकल मार्केट में इन ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा अच्छे गुड क्वालिटी के भी हैं और आपको बहुत ज़्यादा देर तक उनकी लॉन्जिविटी एंड लॉन्गिविटी और उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड गैट्सबी एंड यू कैन सी द पैकेजिंग एंड द बॉटल। थोड़ी सी छोटू है बट कोई गल नहीं, एक अच्छी हेयर स्प्रे में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दिस इज़ इन द प्राइस अबाउट 140 और ये बहुत अच्छा यू नो हेयर स्प्रे है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हेयर स्प्रे है, इसकी लॉन्गिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड दिस इज सुपर हार्ड, मतलब एक सुपर हार्ड हेयर्स आपको ये देता है जिससे कि पता लगता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रहेंगे। अगर आप हेयर स्ट्रेट करते हो, हेयर स्ट्रेटनिंग को अगर आप 3 से 4 दिन या 1 से 2 दिन भी चलाना चाहते हो तो आप इन हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, आप इसे रिबॉन्डिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हेयर स्प्रे का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपके जो हेयर स्टाइल्स हैं उनको लॉक करने के लिए होता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, खुल ना जाए। दैट्स व्हाई वी यूज़ हेयर स्प्रे, ताकि वो एक ही जगह पे टिके रहें। जब आप उसे ओपन करो तो आप कॉम करोगे तो आपका ये हेयर स्प्रे सभी के सभी निकल जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हेयर स्प्रे आई हैव दिस टाफ्ट, इसकी तारीफें मैंने बहुत सुनी है यूट्यूब पे। दिस हेयर स्प्रे इज़ बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर स्प्रे है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स देगा, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्गविटी देगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आपके जो हेयर कर्ल्स हैं वो इतने ज़्यादा लॉन्ग लास्ट क्यों करते हैं, बिकॉज हेयर स्प्रे का काम क्या होता है कि जो आपके रूट्स पे जो ऑयल है उसको आउट करना आपके हेयर्स में, मतलब उसको गायब कर देना, आपके हेयर्स को ड्राई आउट कर देना, जिससे कि क्या होता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग बने रहते हैं। मेक श्योर कि कोई भी हेयर स्टाइल करने से पहले आप अपने और अपने कस्टमर के यू नो हेयर्स को अच्छे से वॉश कीजिए, ड्राई आउट कीजिए, तो आपको हेयर स्प्रे का हेयर स्टाइल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि वो वॉल्यूम में आ जाते हैं। और हमारा काम क्या होता है कि उनके हेयर्स को और अच्छी वॉल्यूम देना। सो उससे क्या होगा कि उनके हेयर्स को और अच्छी वॉल्यूम भी मिलेगी और इसके साथ वो लॉन्ग लास्ट भी रहेंगे और वो मान जाएंगे और वो मुंह नहीं बनाएंगे कि हाँ मेरे हेयर्स खुल गए, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, ब्ला 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 एंड ऑल दैट स्टफ। कुछ नहीं, कोई भी पंगा शंगा नहीं होगा। सो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करती, दीज आर फॉर योर प्रोफेशनल यूज़। इनका यू नो बहुत अच्छे ये सुपर लॉन्ग लास्ट करते हैं और ये बहुत अच्छे हेयर स्प्रे हैं और इसमें मिलता है आपको 250 ml और एंड दिस इज़ फ्रॉम द टाफ्ट। इसको तो मैंने भाई भर भर के यूट्यूब पे देखा कि ये बहुत अच्छा हेयर स्प्रे है। दिस इज़ मतलब इसकी लॉन्गिविटी ना बहुत अच्छी है, मतलब बहुत से भी बहुत ज़्यादा अच्छी। आप इसे प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो गो फॉर इट। और ये कॉस्ट आई जस्ट डोंट नो इसकी कॉस्ट कितनी है। इसमें आपको मिलता है 250 ml और आपको ये नियर बाय मार्केट्स या नियर बाय स्टोर्स में आपको बहुत अच्छे रेट पे ये मिल जाएगा। ये शायद आपको कॉस्ट कर जाएगा 200 के अंदर या 300 के अंडर। मेगा स्ट्रॉक 5 इसकी बहुत ही ज़्यादा यू नो होल्ड करने की कैपेसिटी, बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा है, ये 5 वॉल्यूम वाला है और ये वाला और इसकी होल्डिंग पावर है 4, मतलब आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा यू नो हार्ड बना देता है जिससे कि आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा यू नो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आपका जूड़ा या कोई भी हेयर स्टाइल है वो खुलेगा नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट मोर। सो इसका जो हेयर स्प्रे है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, मतलब बहुत हल्के से ये हेयर स्प्रे होता है, एक ही जगह टक
ऐसा कोई चांस नहीं है कि हाँ भाई जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे नहीं मिला, कहीं और गिर गया, इधर उधर हो गया, कुछ भी। इसका हेयर स्प्रे बहुत ज़्यादा फाइन है, आपको मैं दिखा देती हूँ। सी यू कैन सी इसका हेयर स्प्रे इज़ वेरी फाइन एंड स्मेल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड, ठीक है। और इसमें कोई भी इसका बचा कुचा, कोई भी जब आप इसे स्प्रे करते हो, आपको कोई भी पाउडर पाउडर से आपके हेयर्स पे नहीं रह जाता, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कोई भी विजिबल रेजिड्यू आपका इसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा आपको शाइन देता है आपके हेयर्स पे, और नॉन स्टिकी है, और ये प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर्स को फ्रॉम यूवी रेज, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। स्टफ मतलब इसमें SPF भी है जो आपके हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। बट आप इसे डमीज पे यूज़ मत करना, डमीज के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी एंसो हेयर स्प्रे, उसकी वीडियो भी मैं सेपरेट आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। आई हैव वेला हेयर स्प्रे, आई हैव नोवा गोल्ड हेयर स्प्रे, बहुत सारे हेयर स्प्रे की वीडियो मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँगी इन डेप्थ एंड माई न्यूली एक्सपीरियंस। या लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट नाउ। सो इसकी जो लॉन्गविटी है दैट इज़ नंबर 5, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड स्प्रे। मतलब आपके कर्ल्स को ये बहुत ज़्यादा सुपर लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, और आपके कोई भी हेयर स्टाइल को भी सुपर लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, मतलब बहुत अच्छा है ये उनके लिए, बहुत अच्छा है जो बहुत ही लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं, जो बहुत बारीकी से काम करते हैं हेयर स्टाइल्स पे, उनके लिए बहुत अच्छा हेयर स्प्रे है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि बारीक हेयर स्टाइल को करने में ना आपको एक ऐसा हेयर स्प्रे चाहिए जो कि एक बार स्प्रे करो और वो आपके जो हेयर्स हैं वो वहीं पर ही टिक जाएं, दिस व्हाट आई एम सेइंग। जैसे कि ना पत्तियां वाले हेयर, लाइक मैंने ऐसे अगर अपने हेयर्स को उठाऊंगी और स्प्रे करूंगी तो यहीं पर ही रह जाएंगे, इतना ज़्यादा हार्ड इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। दैट्स व्हाई आप बारीक बारीक हेयर स्टाइल करते हो, बहुत ही प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट जो लाइक जो रोजेस बनाते हैं अपने हेयर्स पे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यू नो एक अच्छा गुड क्वालिटी का हेयर स्प्रे है। दिस बोथ आर द बेस्ट, सो मेक श्योर कि आप इन दोनों को ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। इफ़ यू आर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और आप लर्न करना चाहते हो, इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट, जस्ट गो एंड गेट इट, बहुत अच्छे हैं। आप अगर चाहते हो आप इसे डमीज पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज, बट ये बहुत अच्छे हैं आपके कस्टमर्स के लिए, अपने लिए। या आई लव दीज प्रोडक्ट्स, मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।